नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। एक तरफ माओवादियों को सुरक्षा बल के जवान चुन चुन कर मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के खूंटी जिले में भी प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई को बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं। खूंटी जिला के रनिया थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के एरिया कमांडर हर्षित गुड़िया उर्फ बोयदा पहान को उसके साथी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रनिया थाना क्षेत्र के जलमादी गंजना के जंगल में पीएलएफआई के एरिया कमांडर हर्षित गुड़िया अपने संगठन के सीनियर एवं जोनल कमांडर के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन का वर्चस्व कायम करने, स्थानीय ठेकेदारों व्यापारियों से लेवी वसूलने, क्षेत्र में भय पैदा करने के लिए बैठक कर रहा है। इस गुप्त सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक की दिशा निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा क्रिस्टोफर करकेट्टा के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। छापेमारी दल रात के समय में जलमादी गंजना जाने वाली सड़क किनारे जंगल से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हर्षित गुड़िया की बात करें तो ये हुसैर गांव तपकारा का रहने वाला है। इसका पहले से ही मुरू में 6 कांडों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को इनके पास से 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा गोली, 2 पीएलएफआई पर्चा, 2 बैग, 27,000 रुपये नकद, 1 अपाची बाइक, 3 मोबाइल फोन जो है इनके पास से बरामद किया गया है। हर्षित गुड़िया के साथी प्रकाश प्रमाणी की अगर बात करें तो वो सीआरपीएफ कैंप रनिया के पीछे ही रहता था। लोकसभा चुनाव से पहले पीएलएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इस समय में काफ़ी ज़्यादा लेवी वसूलना, साथ ही क्षेत्र में भय पैदा करना, पर्चे बांटना, ऐसी गतिविधियाँ पीएलएफआई संगठनों के द्वारा देखने को मिलती है। मगर आपको बता दें कि जिस तरीके से खूंटी जिले में लगातार पीएलएफआई को बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं, जब से दिनेश गोप सुप्रीमो की गिरफ्तारी हुई है, लगातार उनके संगठन के सदस्यों को पुलिस पकड़ रही है। कल दिन में सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक खूंटी को कि रनिया क्षेत्र में पीएलएफआई के कुछ सदस्य आ रहे हैं और जोनल कमांडर, एरिया कमांडर सब, और आगामी चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए उसी में कुछ लेवी की बात हुई थी और वो लोग बैठक कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देश अनुसार टीम गठित की गई, जिसमें नेतृत्व हम किए और उन लोग तोरपा इंस्पेक्टर थाना प्रभारी रनिया, थाना प्रभारी तोरपा, और उसमें थाना के कुछ अफसर भी थे, ओम प्रकाश है, अमित कुमार है, और सीआरपीएफ के कुछ जवान को भी बुलाया गया था उस टीम के लिए, और छापामारी की गई। छापामारी करने पर 2 व्यक्ति पकड़ाए, उसमें हर्षित गुड़िया, उसको बोयदा पहान भी बोलते हैं, जिसका घर है तपकरा में, हुसैर में, और एक प्रकाश प्रमाणिक है जो तमाड़ घर है, लेकिन बहुत दिनों से वो यहीं रहते हैं रनिया में। इनका केस तो काफ़ी अधिक है, हर्षित गुड़िया का करीब 6 केस है, और उसका भी प्रकाश प्रमाणिक का 1 केस है। हर्षित गुड़िया तो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में काम कर ही रहे थे, और चुनाव को देखते हुए लोग काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते थे, लेकिन सही टाइम में हम लोग उसको गिरफ्तार कर लिए हैं। और बहुत लोगों से वो काम हो चल रहा था, उसमें लेवी की मांगने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक प्रकाश नहीं आया है, फिर भी उसका अनुसंधान में हम लोग ले आएंगे।